उम्र महज एक नंबर है और टैलेंट की कोई एक सपारी डेट नहीं होती। सुपरस्टार माधुरी दीक्षित। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित ने 53 ने 3 साल की उम्र में कथक के लिए प्रशिक्षण शुरू किया और 8 साल तक प्रशिक्षण लिया। एक पेशेवर प्रशिक्षित कथक डांसर बन गई। तब वह नहीं जानती थी कि वह देश की सबसे प्रतिष्ठित डांसरों में से एक बन जाएगी। माइक्रोबायोलॉजी की छात्रा का फिल्म अभिनेत्री बनने का कभी कोई इरादा नहीं था, लेकिन माधुरी ने 1984 में अपनी पहली फिल्म अबोध से शुरुआत की और तब उन्हें कैमरे से ऐसा प्यार हुआ कि बाद में उन्होंने अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। 36 साल के लंबे करियर में धक धक गर्ल माधुरी ने 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। फोटो साभार। माधुरी ने 1988 में अपनी फिल्म तेजाब के जरिए बॉक्स ऑफिस पर पहली सफलता का स्वाद चखा। वह 1-2-3 गाने के साथ रातों रात डांसिंग सेंसेशन बन गई। एक चार्टबस्टर गाना जिसमें सभी ने उनकी नृत्य प्रतिभा को नोटिस किया। अपनी सफलता के बाद माधुरी ने कई सुपरहिट और चार्टबस्टर गीतों का हिस्सा बनने के लिए खुद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। फिल्मों की बदलती दुनिया और OTT के उदय को लेकर बोली दिल बेचारा की अभिनेत्री स्वस्तिका मुखर्जी। 36 साल के लंबे करियर में धक धक गर्ल माधुरी ने 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और 2008 में पद्मश्री से सम्मानित हुई। वह 1990 के दशक और 2000 के दशक में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी और उनके नाम कई एवरग्रीन डांसिंग नंबर्स थे। दिल बेटा, साजन, हम आपके हैं कौन, खलनायक जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में माधुरी ने अभिनय की छाप छोड़ते हुए दर्शकों का दिल जीता। माधुरी को फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन डांसर्स कहा जाता है। सरोज खान की कोरियोग्राफी और माधुरी दीक्षित के डांस के जलवों ने 90 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा सुपरहिट गीत दिए। इस जोड़ी ने 1988 में आई फिल्म तेजाब के गीत 1-2-3 से लेकर बीते साल 2019 में आई फिल्म कलंक तक साथ काम किया और कई बेहतरीन गाने दिए। तबाह हो गए गीत इस जोड़ी का आखिरी गीत कहा जाता है। फिल्म कलंक के सेट पर कोरियोग्राफर सरोज खान के साथ माधुरी दीक्षित ने फोटो साभार। योर स्टोरी इंस्पिरेशंस। जानिए बॉलीवुड आउटसाइडर विद्या बालन ने मेल सेंट्रिक इंडस्ट्री में कैसे लिखी अपनी कहानी। 2002 में संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास के बाद माधुरी ने फिल्मों से ब्रेक लिया और करीब 5 साल बाद 2007 में आई फिल्म आजा नचले से फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक किया। तब से लेकर आज तक माधुरी फिल्मों और टीवी में लगातार काम कर रही है। माधुरी और जस कई डांसिंग रियलिटी शोज करते नजर आती हैं। साल 2018 में आई बकेट लिस्ट माधुरी दीक्षित की मराठी सिनेमा में डेब्यू फिल्म थी।